हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार यार सेशन को लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मेरे पास है ना बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, क्वारी जा रही है इसके रिगार्डिंग कि भैया जेई मेन जो है पोस्टपोन हो रहा है। एंड जो है एक तो ऐसा मतलब बहुत ही खतरनाक क्वारी थी, और अभी मैं यूट्यूब वगैरह पर भी चेक कर रहा था रिगार्डिंग द IIT कानपुर से कोई मतलब बतके उड़ रही है अफवाहों के साथ कि जो है फोर्थ वेव आ रही है कोविड की, तो इसके कारण जो है आपके एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन हो रहे हैं जेई मेन के। तो उसका ही सॉल्यूशन आया था, करने आया था, मैंने सोचा कुछ बच्चों की हेल्प कर दें। यार जनरली जो है बहुत सारे बच्चे अभी उड़ रहे होंगे कि भैया ओह मज़ा आ गया, अभी तो जस्ट पोस्टपोन हो जाएगा तो थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, तो अभी हम मज़े कर लेते हैं, ट्वेल्थ का एग्जाम दे दिया, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, आज दिल्ली कल अमृतसर हैं परसों जलंधर, तो ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। आई थिंक मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर कर दूँ यार, अभी तक 9 लाख कुछ बच्चों ने जो है रजिस्टर किया है जेई मेन के लिए। एक बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 9 लाख कुछ बच्चों ने जो है जेई मेन के लिए रजिस्टर किया है। उसके अंदर टोटली सीटें कितनी है पता है आपको? टोटली सीटें चाहे जे IIT की हो, NIT की हो, टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो एंड अदर GFTI पैक चंडीगढ़ एंड IIST शिवपुर, टोटली मिला के जो है 9 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। आप मैक्सिमम सीटें मान के चलो 50,000, 50,000 मैक्सिमम बता रहा हूँ ये, ठीक है। IITs में तो बहुत कम सीटें हैं, NITs में भी बहुत कम है, कुछ कुछ सीटें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दे रहे हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान BTech की सारी सीटें जोसा से भरता है, CSAB से भरता है। सिलेक्शन रेशियो कितना हो गया? 1% भी सिलेक्शन रेशियो नहीं है गाइस, सिर्फ 1% भी नहीं है। देखो यार, कम्पिटिट बच्चा वही कर पाएगा जो इन 50,000 में शामिल हो पाएगा। अगर 9.5 लाख या फिर 10 लाख बच्चों ने अगर JEE का एप्लीकेशन फॉर्म किया है फिल, देन अगर आपको IIT में या फिर इन किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना है, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपको जो है 9.5 लाख अगर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 9 लाख को पीछे छोड़ना पड़ेगा गाइस। 9 लाख को अगर तुमने पीछे कर दिया देन यू आर सेफ, अगर 9 लाख को पीछे नहीं किया, अगर तुम 9 लाख के साथ हो देन तुम्हें सीट नहीं मिलने वाला। तो तुम्हें जो है तैयारी ऐसी करनी है, तुम्हें बिल्कुल याद रहे तुम्हारे हर रूम के पास, तुम्हारे हर घर में, हर कोचिंग के अंदर, हर स्टेट से, हर जगह से, चाहे बठिंडा हो, सीकर हो, कोटा हो, राजस्थान हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, अमृतसर हो, लुधियाना हो, जलंधर हो, हर जगह से बच्चा एग्जाम दे रहा है गाइस, हर जगह से, हर रूम में पढ़ाई चल रही है, हर रूम की लाइट ऑन है, हर बच्चे के दिमाग में IIT है, हर बच्चों की दीवारों पे जो है IIT लिखा पड़ा है, हर बच्चे के बोर्ड के ऊपर IIT लिखा पड़ा है। ये बिल्कुल आप कान खोल के बिल्कुल ध्यान से याद रखिए कि जस्ट जो है आपका ड्रीम है IIT जाना, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए JEE मेन एग्जाम, ना कि पोस्टपोन्ड। अब मैं आपको फुल्ली क्लियर कर दूं, IIT मैंने भी JEE एडवांस फोड़ा है, ओके। आई क्लियर्ड, आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम द LN करियर इंस्टीट्यूट कोटा एंड एन अकेडमी एंड अदर, ठीक है। मेरे भी JEE एडवांस में बहुत अच्छी रैंक थी, आई थिंक OBC कैटेगरी में 700 कुछ थी एंड ऑल इंडिया रैंक 5600 ऐसे कुछ थी, ठीक है। आई एम सेलेक्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IIT, ठीक है। तो यार जस्ट बेसिकली बता दूँ कि दिस इज अ फुल्ली अफवाह, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एग्जाम 21 जून से जो होने वाले थे JEE मेन के, वो 21 जून से ही हो रहे हैं, ये आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखें। जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो जुलाई में ही हो रहे हैं। तुम्हारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि तुम 9 लाख बच्चों को जो है पीछे छोड़ सको, और जो बाकी तुम्हारे बच्चे जो है वो तो 9 लाख में ही रहेंगे। यार हमारा जो मेंटरशिप प्लान चलता है मिशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जहाँ पे 99% बच्चों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि भैया हमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए, तो जस्ट उसके भी एडमिशन अभी ओपन हो चुके हैं, जिसके अंदर जो है टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जो है एडमिशन कराया जाता है हमारी टीम की तरफ से, जो कि हर स्टेट के लिए जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि IK गुजराल PTU हो गया, MBM जोधपुर हो गया, RTU कोटा हो गया, JEE दिल्ली के अंदर कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, IPU हो गया, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT दिल्ली है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, CU हरियाणा है, एंड कुछ UP में अच्छे कॉलेजेज है, कुछ नोएडा में अच्छे कॉलेजेज है जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है।
तो जस्ट यू कैन चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड एक बात आप रिमेंबर रखें, जस्ट अगर तुमको IIT में जाना है देन तुमको जो है 9 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, और किसी भी हाल में पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने 9 लाख बच्चों को पीछे छोड़ दिया देन जो है आप वो टॉप कुछ % लोगों में आ सकते हैं और आप जो है IIT जैसी टॉप महारत हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जस्ट आप जो है पोस्टपोन जैसी किसी भी खबर पर बिल्कुल ध्यान ना दें, दिस इज़ फुल्ली फेक। और ऐसी कोई फोर्थ वीक वगैरह कुछ नहीं आ रही है। 2020 की अगर मैं बात करूँ तो चारों ओर सब जगह लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी NTA ने जो है लाखों ट्वीट होने के बाद भी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, और ये जस्ट आपके लिए लास्ट ऑप्शन था कि जो है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। ऑलरेडी पोस्टपोन है ये, बिकॉज पहले मई में होने वाला था, अभी जुलाई में हो रहा है। अब इससे ज़्यादा और क्या पोस्टपोन हो सकता है यार, ठीक है। तो जस्ट अब खूब पढ़ते रहिए, और इससे ज़्यादा आई थिंक पोस्टपोन हो पाना बहुत मुश्किल है। और बाकी सब जो भी डिसीजन है वो NTA करेगा यार। ये यूट्यूबर्स की क्या हिम्मत है कि साला ये NTA का जॉब खा जाएंगे। हाँ, NTA का जॉब खाने के लिए नहीं है ना, NTA को काम करना है ना, NTA का है ना काम ये। तो ये YouTube वालों का क्या है, इनको तो जस्ट कम बैठे हो यहाँ गेमिंग चेयर पे बैठ के आराम से बना दिया। हेलो जो है IIT कानपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेलो गाइस नमस्कार, IIT कानपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आ चुकी है फोर्थ, जो भी फोर्थ वीक है वो कबूतर लेके आया उड़ उड़ के, और आपके एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हो। बच्चा सोचता हो पोस्टपोन होने वाले हैं, खबर आई हो कहाँ से आई है देखते हैं। चलो मैं भी ऐसे दोख रहा था कहाँ से आ रही है, पता चला यूट्यूब से आ रही है खबर निकल के, और ऐसा रियल में होता नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे डाल देते हैं स्टेटस पे हैशटैग COVID-19 4 वीक इन द इंडिया। अभी तो थर्ड भी नहीं आया है, अभी तो दूसरा वीक चला गया, थर्ड तो आया ही नहीं है, फोर्थ डायरेक्टली ले आए तुम। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बेसिकली सिंपली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।